एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मतदान आज होना है। 825 सीटों में से 476 पदों के लिए मतदान होगा। 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ये मतदान होगा। 3 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। नामांकन के दौरान हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीएसी तैनात की गई है। सभी जिलों के कप्तानों को भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम एसएसपी मतगणना स्थलों पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बजे के बाद मतगणना होगी, 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। नामांकन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मतगणना स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीएसी तैनात की गई है। सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एसपी एसएसपी और डीएम मतगणना स्थलों पर मौजूद रहेंगे। ये आदेश पारित कर दिए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे 3 संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिज्ञ गुप्ता बुलंदशहर से, राहुल भदौरिया कानपुर से और अवनीश कुमार लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अवनीश का रुख करेंगे। अवनीश, लखनऊ में किस तरह की तैयारी कर ली गई है? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में 8 विकास खंड है और 8 विकास खंडों पे मतदान होना है। मतदान 11 बजे शुरू होगा, शाम 3 बजे तक चलेगा और 3 बजे के बाद मतगणना होगी। तो पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसा एक दिन पहले ही पूरे सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ किया था कि किसी भी प्रकार से जो नामांकन वाली स्थिति थी वो स्थिति न पैदा होने पाए, ऐसे में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाए और पूरी तरह सावधानी बरती जाए और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। इन सबके साथ साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अलर्ट जारी किया है और सभी ब्लॉक पे एक के डिप्टी स्तर का अधिकारी तैनात किया है और पूरे हालात पर निगरानी रखा जा रहा है। हम इस समय विकासखंड चिन्हट पे हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे पहले से ही बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं और इसको बैरिकेटिंग भी लगाया गया है ताकि कोई भी वाहन इधर ना आने पाए। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पे तमाम जो बैरिकेटिंग है वो लगा दिया गया है, सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। और विकासखंड के अंदर 11 बजे नामांकन होगा तो जितने भी समर्थक आएंगे, जितने भी लोग आएंगे उनको फिलहाल दूर रखा जाएगा और जो वोटर होगा वो बारी बारी से करके अंदर और इसमें वोट देगा। तो कुल मिलाकर नामांकन जैसी कोई स्थिति ना हो मतदान के दौरान, तो इसको लेकर अभी से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं और पूरी तरह निगरानी रखी जाएगी और कोविड-19 के मानकों का भी पूरी तरह पालन करवाया जाएगा। तो साफ तौर पर है कि लखनऊ जिलाधिकारी, लखनऊ कमिश्नरेट ने भी अपनी तरफ से तैयारी पुख्ता कर ली है और कुल मिलाकर अगर लखनऊ में देखा जाए 8 ब्लॉक में तो करीब 628 जो सदस्य हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। और अगर चिन्हट ब्लॉक की बात की जाए, चिन्हट ब्लॉक में करीब 4 प्रत्याशी हैं और 4 प्रत्याशी के लिए 28 यहाँ पे मत का प्रयोग होगा। तो साफ तौर पर वो 28 लोग आएंगे तो उनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होगी। ऐसी जिम्मेदारी में साफ तौर पर है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जितने भी संवेदनशील जनपद है इसके साथ ही वहाँ पे 25 पीएससी की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं ताकि किसी प्रकार से अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। तो साफ तौर पर अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों पर सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। तो ऐसे में तय है कि मुकाबला काफी रोचक होगा क्योंकि एक दिन पहले ही जब निष्कर्ष सामने आता है 825 सीटों में से 349 सीटों पर निर्विरोध चुने जाते हैं, 349 में से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट रखा है कि वो करीब 650 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी जिता ले जाएंगे, तो वो देखना होगा कि 3 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितने प्रत्याशी आते हैं। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तरफ से मोर्चा खोल दिया है और लगातार बयान जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो भी प्रशासन है के लोग हैं वो मिले हुए हैं, प्रत्याशियों के साथ उनके अमानवीय व्यवहार हो रहा है और नामांकन के दौरान जो स्थिति थी उस तरीके की स्थिति न हो, इस तरीके राज्य निर्वाचन आयोग में उन्होंने एक पत्र भी दिया है। और नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष चुके हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी गए थे वहां पे, उन्होंने अपनी मांग रखी थी। तो इन सबके बीच आज देखना होगा कि किस तरीके से मतदान की पूरी प्रक्रिया होती है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि मतदान की जो भी प्रक्रिया होगी शांतिपूर्वक होगी, किसी भी तरीके का इसमें व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा कार्य करता है, अराजकता फैलाता, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से बैठक करके साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके से अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर किसी जनपद में हिंसा होती है, अराजकता होती है, तो वहां के संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जीरो टॉलरेंस के तहत ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पर लखीमपुर का जो कांड है उसमें उदाहरण पेश किया गया कि तमाम जो सीईओ हैं, एसओ हैं, सिपाही हैं, उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके के माहौल तैयार करके मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि आगे किसी प्रकार के घटनाक्रम हो, इसलिए वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जीरो टॉलरेंस के तहत पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। 11 बजे से मतदान शुरू होगा, 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद मतगणना होगी। राहुल का रुख करेंगे कानपुर से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कानपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह का समीकरण बन रहा है और व्यवस्था किस तरह की है मतदान से पहले? बिल्कुल संतोष, आपको बता दूं कि आज कानपुर में जो है टोटल 10 ब्लॉकों का चुनाव होना था, जिसमें से 4 जो है जो ब्लॉक प्रमुख है वो निर्विरोध अभी तक चुने जा चुके हैं और बाकी 6 सीटों पे जो है आज चुनाव होगा, जिसके लिए प्रशासन ने हर तरीके से अपनी तैयारियां कर ली है और कमर कस ली है कि ताकि जो नामांकन में स्थितियां पैदा हुई थी, जिस तरीके का माहौल उत्पन्न हुआ था, जिस तरीके से हिंसा हुई थी और आगे चल के इस तरीके की जो है सिचुएशन न उत्पन्न हो पाए, टोटल आज 6 ब्लॉकों का चुनाव है, जिसमें 11 बजे के बाद मतदान होगा और मतदान होने के बाद जो है शाम को 3 बजे के बाद जो है रिजल्ट घोषित होंगे। हालांकि सपा और बसपा के बीच में हर ब्लॉक में जो है सपा और भाजपा सॉरी और भाजपा के बीच में जो है हर ब्लॉक में कांटे की टक्कर है, जिसको लेके चाहे वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो या चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, हर तरीके की कमर कस ली है और हर तरीके से कोशिश भाजपा की भी यही है और सपा की भी यही है कि हर तरीके से जो है अपना ही जो उसको जिताने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्रशासन ने हर तरीके से जो है तैयारियां कर ली है, पीएसी के चाहे जवान हो चाहे आपके पुलिस के जवान हो, हर तरीके से चारों तरफ पे जो है चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात कर दी गई है, आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं ताकि जो है आगे चल के इस तरीके की कोई जो हिंसा है वो ना उत्पन्न हो पाए। संतोष, नितिज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। नितिज्ञ, बुलंदशहर की क्या तस्वीर सामने आ रही है, किसके बीच कड़ा मुकाबला है, समीकरण क्या है? बता दूं कि टोटल 16 ब्लॉकों का चुनाव होना है, जिसमें से 9 ब्लॉक प्रमुखों का रास्ता साफ हो चुका है, निर्विरोध चुने गए हैं और वहीं 7 ब्लॉकों पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वहीं मैं आपको दिखा सकता हूँ तैनात है और देखा जा रहा है कि इसपे प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, जिस तरीके से अराजकता अभी नामांकन के समय फैली थी, बुलंदशहर में भी, लखीमपुर में भी देखा गया, उसी तरीके से बताया गया और किसी भी तरीके की सिर्फ अंदर जो वोटर है उनको जाने की इजाजत है, कोई समर्थक नहीं दिखेगा और लगभग 50 मीटर की दूरी पर समर्थकों को रोक दिया जाएगा, बैरिकेडिंग की गई है और जहां तक देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जब अराजकता जो भी पाया जाएगा उसे उसके संग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी जनता, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।